हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना के पिटाई वाले राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, और राहुल गांधी के इस बयान पर राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। चाहे गलवान हो तो तवांग हो, मैं स्वयं पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या इस प्रकार का करिश्मा हमारी सेना कर सकती है। जितनी ही प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बड़ी है, इसको सभी स्वीकार करते हैं। मैं डिफेंस के मामलों में प्रायः मेरा भी विदेशों में जाना होता है, जाता हूं तो हमारी भी वहां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सभी से बातचीत होती है, मिलती है, मिस्टर बाइडेन से भी मिला। आज जो भारत के बारे में उनकी धारणा मैं सुनता हूं, यह और कभी कोई हेड ऑफ स्टेट यह कह देता है कि वो प्राइम मिनिस्टर इज कमांडिंग वेरी हाई रेपुटेशन एमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो यह सुनते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति, और नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, वह पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सही रास्ते पर आगे ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। हर समय राजनीति में किसी के इंटेंशन पर संदेह करना क्यों, इसका कारण उन्हें समझ में नहीं आता है।